1 मिनट, अब ठीक है। So hello and assalamu alaikum everyone, this is Hussain Ahmed Khan and welcome back to yet another episode of Brutally Honest Reviews. So meri normally preference ye hoti hai ki main aisa equipment use karun jo easy to use ho, aur easy to use se mera maqsad hai all in one sort of a product. Lekin jitne bhi all in one sort of a products hote hain unme khamakha kuch na kuch limitations zarur aati hain, lekin this product that I have been using for more than a year now, it's called DJI Osmo Pocket. Maine already iske upar do videos banayi hui hain, but today we are going to talk about 5 top reasons that this could be your ultimate vlogging weapon. So reason number 1 बताने से पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आई एम टॉकिंग अबाउट व्लॉगिंग, नॉट फिल्म मेकिंग। व्लॉगिंग या जो है बेसिक फिल्म मेकिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हाउ दिस प्रोडक्ट कैन एक्चुअली हेल्प यू। सो रीजन नंबर 1 इज ऑब्वियसली इसका साइज। इसका साइज इट्स लिटरली स्मॉलर देन माई आईफोन, एंड साइज छोटे होने की वजह से इट्स एक्सट्रीमली पोर्टेबल। इट कम्स विद दिस वेरी हैंडी प्रोटेक्शन केस जिसमें जो है आप इसको डाल के अपनी इवन पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। और अगर मैं ये यूज़ नहीं करूँगा तो इसकी जगह मैं यूज़ करूँगा ये गिम्बल जिसके ऊपर मैं कैमरा लगा के अगर फॉर एग्जांपल जो है मैंने इसमें व्लॉगिंग करनी है तो हर बंदा जो है वो मुड़ मुड़ के जो है मुझे देखेगा, एंड मोस्टली जगहों पर जो है मुझे शायद व्लॉगिंग करने की इजाज़त भी ना मिले। लेकिन इफ़ आई एम कैरियंग दिस एंड आई एम टॉकिंग इन टू दिस थिंग तो आपको नॉर्मली कहीं पर भी नोटिस भी नहीं किया जाएगा और आप अपना व्लॉग जो है वो कम्प्लीट कर लेंगे। एंड जो लोग व्लॉगिंग करते हैं उनको इस चीज़ का शायद अंदाज़ा ज़रूर होगा कि सबसे ज्यादा मसला ये होता है कि पब्लिक में कैमरा लेकर जब आप घूम रहे होते हैं तो हर बंदा जो है वो आपको देख रहा होता है। तो अगर इफ यू हैव समथिंग एज स्मॉल एज दिस थिंग सो यू कैन लिटरली पुल इट आउट एनीवेयर एंड यू कैन जस्ट टॉक इनटू इट एंड गेट योर थिंग्स डन। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये काम तो मैं फोन पे भी कर सकता हूँ, लेकिन दैट ब्रिंग्स मी डाउन टू रीजन नंबर 2, एंड द रीजन नंबर 2 इज इसका 3-axis गिम्बल जो आपको एक्सट्रीमली स्टेबल फुटेज देता है। और स्टेबल फुटेज का मतलब ये होता है कि इफ़ यू आर वॉकिंग समवेयर या जो है आप भाग रहे हैं या आपने किसी एक्शन को रिकॉर्ड करना है तो जो आपकी ग्लिचेस आती हैं या जिटर्स आते हैं आपकी फुटेज में वो इसमें नहीं आएंगे, जो कि नॉर्मली आपके फ़ोन में जो है वो आते हैं जब आप उसको हैंड हेल्ड जो है यूज़ कर रहे होते हैं। सो रीज़न नंबर 3 द एपिक वीडियो क्वालिटी। ये इनहेलर जैसी लगने वाली चीज़ एक्चुअली कैन रिकॉर्ड 4K एट 60 FPS, मतलब जो 2.5-3 लाख रुपए की रेंज में भी कैमराज हैं इस वक्त मार्केट में वो भी 4K 60 जो है रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट दिस थिंग कैन। इसके अलावा जैसे नॉर्मली आप अपने मिररलेस के ऊपर या DSLR के ऊपर ISO शटर स्पीड वगैरह कंट्रोल करते हैं, वाइट बैलेंस कंट्रोल करते हैं, ये सारी इसकी प्रो सेटिंग में जाकर जो है आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उससे ज़्यादा भी इसमें ये चीज़ है कि इसके स्लोमो ऑप्शन में जाकर जो है आप इवन 120 FPS तक जो है इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाउएवर हाँ, स्लोमो में जो है ये थोड़ा सा एडिशनल क्रॉप देता है जिसकी वजह से वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी जो है कॉम्प्रोमाइज़ होती है, लेकिन अगर आप डे लाइट में या अच्छी लाइट में जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसका आपको पता भी नहीं चलता। तो रीज़न नंबर फोर है इसके टाइम लैप्स, मोशन लैप्स और हाइपर लैप्स का फीचर। अब टाइम लैप्स नॉर्मली आप किसी भी मोबाइल या किसी भी कैमरा पे जो है बना सकते हैं, लेकिन जहाँ इट बीट्स एवरीथिंग इसका मोशन लैप्स का फीचर। मोशन लैप्स में बेसिकली ये होता है कि आप इसको जो है डिफरेंट स्पॉट्स दे देते हैं और वो आपको एग्जैक्टली उन स्पॉट्स के ऊपर इन स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड विद स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम पिक्चर्स लेता रहता है और एक इंतहाई खूबसूरत और डायनामिक टाइम लैप्स जो है वो आपको बना के देता है। एंड ट्रस्ट मी, इस किस्म की चीजें आपकी व्लॉग में बहुत वैल्यू एड करती हैं, स्पेशली इफ यू आर अ ट्रेवल ब्लॉगर, दिस कुड बी एन एपिक थिंग। उसके अलावा जो है इसका हाइपर लैप फीचर, नॉर्मली जितने भी हाइपर लैप्स होते हैं वो पिक्चर्स लेकर जो है उनको स्टिच किया जाता है डिफरेंट लोकेशन पे या डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में, लेकिन इसका जो हाइपर लैप्स है उसमें बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें आपके पास 5 से लेकर 30 times तक आप इसको जो है फास्ट कर सकते हैं। तो ये कंटिन्यूसली एक वीडियो बना रहा होता है, एक ही जगह पर आप इसको फोकस भी कर सकते हैं। और इसके 3-axis गिम्बल की होने की वजह से बहुत ज्यादा स्टेबल फुटेज आती है, लाइक दिस फुटेज। ये जब जिस वक्त मैं बना रहा था तो इसको मैंने सिंपली जो है गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर रखा और ये 10 times जो है इसको मैंने फास्ट किया हुआ था, और फिर बाद में पोस्ट में आप इसको और भी ज्यादा तेज कर सकते हैं। तो इमेज बहुत ज्यादा स्टेबल आती है इसकी, उसकी वजह से इसके हाइपरलैप्स बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। सो रीजन नंबर 5, अब रीजन नंबर 5 है इसकी बैटरी लाइफ। जितने लोग भी ब्लॉगिंग करते हैं उनको बैटरी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि आपको कहीं पर भी कुछ भी जो है शूट करना पड़ता है और कहीं पर भी जो है आपने कोई सीन दिखाना होता है तो आपके कैमरे की बैटरी लाइफ जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड
इस केस में दिस डिवाइस इज अ लाइफ सेवर। एंड ये लाइफ सेवर इसलिए क्योंकि कंपनी इसका क्लेम करती है कि ये 140 मिनट्स तक जो है इसकी फुल बैटरी चलती है, लेकिन जितना मैंने यूज किया तो तकरीबन 120 मिनट्स मतलब 2 घंटे तक जो है आराम से इसकी बैटरी जो है वो काम करती है। और अगर इवन उसके बाद भी जो है आपकी बैटरी डाउन हो जाती है तो इसके नीचे इन्होंने दिया हुआ है ये टाइप सी का पोर्ट, इसमें आप इजीली जो है अपना पावर बैंक जो है वो इसके साथ जो है प्लग इन करके जितना जो है आप इसको चलाना चाहे आप चला सकते हैं। एंड प्लस इसका चार्जिंग टाइम जो है मतलब 0 to 100 जो है ये इन लेस देन एन आवर जो है वो ये चार्ज कर लेता है, तो आप इसको जो है चार्ज करते करते भी शूट कर सकते हैं। और अगर आपने वो नहीं करना तो इवन आप इसको जो है चार्ज पे लगा दें तो विद इन लाइक 20-25 मिनट्स ये इतना चार्ज हो जाता है कि अगले आपका जो है घंटा जो है आराम से शूटिंग में निकाल देता है। अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक आई हैव प्लेंटी ऑफ मोर रीजंस टू टॉक अबाउट इट, लेकिन एज आई सेड के मतलब ये छोटी डिवाइस है, ऑल इन वन सॉर्ट ऑफ अ डिवाइस है, क्योंकि इसमें गिम्बल भी है, इसका कैमरा भी अच्छा है, थोड़ा बहुत वाइड एंगल भी है इसमें, या छोटी सी स्क्रीन भी दी हुई है। इसके अलावा जो है यहाँ पर इसका जो है माइक्रोफोन है, इसके नीचे यहाँ पर जो है नॉइस कैंसलेशन के लिए इन्होंने छोटा सा होल दिया हुआ है। तो इसमें प्लसेस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ऑब्वियसली जब इतनी ज्यादा चीजें आप इतनी छोटी डिवाइस में डालते हैं तो लिमिटेशन भी बहुत ज्यादा आती है। लाइक नॉर्मली अगर आप इसको प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग के लिए यूज करना चाहते हैं तो इसमें लेंस चॉइसेस नहीं है। दूसरा, इसके साथ जो है आप डायरेक्ट जो है एक्सटर्नल माइक नहीं लगा सकते। इसकी आवाज इज फाइन, ठीक है, अगर आप मतलब पोस्ट प्रोडक्शन में थोड़ा बहुत जो है उसके साथ हैंकी पैंकी कर लें तो मतलब काम कर लेता है, लेकिन अगर जो है मतलब अगर डायरेक्ट इसकी आवाज़ जो है डाली जाए तो मेरे लिए मतलब इट साउंड्स गुड, क्योंकि हम ब्लॉगिंग की बात कर रहे हैं, हम प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग की बात नहीं कर रहे हैं। इसकी मतलब प्रेजेंटेबल आवाज़ है, बहुत जो है हाई क्वालिटी, लाइक अगर इस वक्त मैंने शॉटगन माइक लगाया हुआ है तो इस तरह की आवाज़ नहीं आती है इसमें, लेकिन अजीब अली जो है इसमें आवाज़ आ जाती है, मतलब आपका उस वक्त का काम आराम से हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव लाइक सो मेनी रीजंस टू रेकमेंड दिस डिवाइस, क्योंकि मुझे तकरीबन साल से ऊपर हो गया और ये मेरी सबसे फेवरेट डिवाइस है। जितना भी मेरा इक्विपमेंट है उसमें सबसे ज्यादा जो है फेवरेट ये है, और सबसे ज्यादा मैंने शायद यूज भी ये किया होगा। इवन जो प्रोफेशनल वीडियोज भी मैं बना रहा होता हूँ उसमें टाइम लैप्स, हाइपर लैप्स, मोशन लैप्स, ये सारी चीजें, इवन समटाइम्स जो है बी रोल भी जो है वो मैं इसके ऊपर शूट कर रहा होता हूँ। कभी कभी आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप जो है गिम्बल को बैलेंस करें फिर जो है उसके ऊपर शूट करें, तो दिस इज लाइक प्लग एंड प्ले सॉर्ट ऑफ अ थिंग, इसको बस आप निकालें, इसको ऑन करें एंड यू आर गुड टू गो। लेकिन जैसे मैंने इनिशियली कहा था कि जितनी भी ऑल इन वन चीजें होती हैं उसमें कुछ लिमिटेशंस खामखा आती हैं, और इसमें जो सबसे बड़ी लिमिटेशन आती है वो इसमें लेंस चॉइसेस, मतलब इसमें आप जो है लेंस नहीं चेंज कर सकते हैं। दूसरी, इसकी लाइट, लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत इंप्रेसिव नहीं है। इसके अलावा जो है इसके साथ आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन नहीं लगा सकते हैं, तो जो बेसिक आपकी ब्लॉगिंग वगैरह है वो इट कैन पुल इट ऑफ वेरी वेल, बल्कि मोर देन वेल आप इसके ऊपर जो है काम कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल कैमरा है या प्रोफेशनल जो इक्विपमेंट है हर चीज के लिए उसको ये नहीं कर सकता, लेकिन अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्लॉगिंग, सो फॉर व्लॉगिंग दिस कुड बी एन अल्टीमेट वेपन। इसके अलावा जो है इसकी प्राइस रेंज, तो मैंने ये टेक्लॉबी से लिया था लास्ट ईयर फॉर 60,000, नाउ इट्स बिटवीन 55,000 to 60,000। DJI के प्रोडक्ट्स जो है इतने आसानी से जो है प्राइसेस भी नहीं गिराते हैं, प्लस अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे डॉलर के हालात चल रहे हैं तो उसकी वजह से भी प्राइसेस जो है फ्लक्चुएट होती रहती है, लेकिन एनीवेयर बिटवीन 55,000 to 60,000 आपको जो है आराम से जो है ये डिवाइस मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग द अनबॉक्सिंग ऑफ दिस डिवाइस, के इसके बॉक्स में क्या क्या चीजें आती हैं, तो वो आई टैग समवेयर और हेयर, सो यू कैन क्लिक एंड यू कैन जस्ट watch the unboxing and first test of this device. So thank you so much for watching this video. I hope it was worth watching, and do let me know what do you think about this device, and if you want any additional information to iske bare mein I can tell you anything. Put it down in the comments and I'll just reply to that. Once again, thank you so much for watching. I'll see you guys in the next video. Allah Hafiz.